थंबनेल तो देख लिया है आपने कि आप विदाउट एसईओ एंड विद एसईओ कितना डिफरेंट देख पाते हो दोनों चीजों में। जब आप अपने यूट्यूब वीडियोस का जो है एसईओ नहीं करते हो, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप नहीं करते हो, तो आपके वीडियो पर रिस्पॉन्स जीरो होता है। जब आप अपने वीडियो का एसईओ करते हो तो आपके वीडियो का एंगेजमेंट बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा होता है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि एसईओ से कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये कहने की बात है, यूट्यूब जिन वीडियोस को वायरल करता है वो ही वायरल होते हैं। आई नो आई अंडरस्टैंड कि ये बात भी आपकी सही है कुछ हद तक, लेकिन जब तक देखिए कोई भी काम हो, जैसे हमने मतलब एक लाइन तो सुनी होगी कि कर्म करो, जब तक आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा। तो कर्म करो ना, आप पहले उस टाइप से जो काम करो जो यूट्यूब को चाहिए। आप वीडियो का परफेक्ट एसईओ करो, परफेक्ट टाइटल टैग डिस्क्रिप्शंस लगाओ, तब जाकर आपका परफेक्ट जो है आप कर्म करते हो कि YouTube वीडियोस को वायरल करने का, YouTube वीडियो को व्यूज लाने का, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को मान के बैठे हुए हैं कि एसईओ से कुछ नहीं होता है, तो भाई आप बिल्कुल से गलत फहमी में जी रहे हो और आप जो है यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फेल हो गए अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है मतलब सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं पूरी चीज़ को, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं, सब कुछ बताते हैं और कैसे क्या करना होता है सब कुछ बताएंगे किस तरीके से, यानी कि राइट वे टू राइट टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कि हम सही तरीके से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या करना होता है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें टाइटल के लिए हमारा जो हमें यूज करना होता है कि हमें अपना एक टाइटल जो है वो किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले तो लोगों का ये रहता है कि यूट्यूब ने हमें 100 कीवर्ड दिए लिखने के लिए टाइटल में, तो मैं उन 100 के 100 कीवर्ड्स को ऐड कर दूं, ठीक है। अगर एक बच भी रहा है ना तो उसमें मतलब कोई ना कोई इमोजी डाल दो या कुछ भी डाल दो, मतलब पूरा 100 टाइटल को 100 जो कीवर्ड है उनको कवर अप कर लो, उसमें से कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। सबसे पहली जो गलती है वो तो आप लोग यही करते हो। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो आप ये टाइटल 100 कीवर्ड का लगाते हो, इस 100 कीवर्ड की जगह आप इस टाइटल को अंडर 17 कीवर्ड यानी कि अंदर 70 कीवर्ड के अंदर का टाइटल अगर आपका रहता है तो आपका जो चैनल है वो एक्सट्रीमली, जो आपका वीडियो वो एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ग्रो करता है। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, आप मिस्टर बीस्ट को अगर आपने देखा है तो उनके चैनल पर एक्चुअल में क्या रहता है, आप देखते होंगे कि उनका चैनल पर जो टाइटल होता है वो लगभग 15 कीवर्ड्स का होता है, यानी कि 50 कीवर्ड के समथिंग उनका टाइटल रहता है, ठीक है, और उनके वीडियो की एंगेजमेंट रीच आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग समझते नहीं हो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी चीजों को आप नहीं समझोगे तो फिर आप बुरी तरीके से फेल हो जाओगे, ठीक है। लोग ऐसा नहीं है कि क्लिकबेट करना जरूरी नहीं है, क्लिकबेट मतलब विदाउट क्लिकबेट कोई भी टाइटल, बस अंडर 17 कैरेक्टर होना चाहिए, क्लिकबेट नहीं होना चाहिए। अब लाइक जैसे कोई भी टाइटल है, ठीक है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो YouTube का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया तो हमने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहला टाइटल YouTube इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, यहाँ पर और वहीं पे ब्रैकेट में लिख दिया डोंट मिस दिस, ठीक है, यानी कि इसको मिस नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्लिकबेट हो गया। जरूरी नहीं है कि हम मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखें कि YouTube ने ये कर दिया, YouTube ने वो कर दिया, इस वजह से जो है मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन कर दें टाइटल में ही, थंबनेल में ही। क्योंकि दोस्तों होता क्या है एक्चुअल में कि हमारी जो ऑडियंस है या हम लोग जो हैं, अब आप अपने से ही जो है एक अंदाजा लगाना कि आपको कोई ऐसा टाइटल मिले जिसमें बहुत सारे कीवर्ड लिखे हुए हों तो क्या आप उस टाइटल के सारे कीवर्ड्स को पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से आपको अपने माइंड से भी चलना होता है कि जब मैं किसी को ऐसा कीवर्ड दूंगा, ऐसा टाइटल दूंगा जिसमें बहुत सारे कीवर्ड लगे होंगे तो क्या वो मेरे पूरे के पूरे कीवर्ड को पढ़ेगा और वीडियो पर क्लिक करेगा, नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होता है। आपको सबसे पहले जो टाइटल का होता है, आपका कोई भी टाइटल हो, कैसा भी टाइटल हो, आपको अंडर 17 करेक्टर रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए काफी सारे केसेस आते हैं जिनमें कि 17 करेक्टर के अंडर नहीं रख सकते, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कसम खा के रखिए कि 17 करेक्टर के अंडर ही रखना है, ठीक है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट है और उसको बढ़ाना पड़ रहा है तो बढ़ा सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि अंडर 17 करेक्टर आप अपना टाइटल रखो, और इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो इस वीडियो पर जो है, आप देख सकते हो कि कितना जो है करेक्टर कम लिखा हुआ है मैंने, और उसका रीच भी बाकी वीडियो के हिसाब से मेरा अच्छा गया हुआ है। तो मैंने इस चीज को जस्ट अभी से 2 दिन पहले ही इस चीज को मैंने समझा, चैनल को देखा, जब मैं अपने चैनल को पूरा चेक कर रहा था कि कहां क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं, तो उन सभी चीजों को देखकर मुझे ये चीज समझ आई और इस चीज का मैंने आगे भी यूज किया, तो उस चीज़ का मुझे प्रॉफिट नज़र आया और इस चीज़ को मुझे लगा कि हाँ टाइटल में ये चीज़ बेस्ट तरीका है जो कि काम करती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि टाइटल का हमें किस तरीके से टाइटल रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ क्लियर हो गई है। अब आगे बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों? डिस्क्रिप्शन वो चीज़ होती है, डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो को रैंक कराती है, ठीक है। आज दिन तक मेरा मानना था कि डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो को रैंक नहीं कराती है, ठीक है, लेकिन आज से 6-7 साल पहले मिस्टर बीस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कुछ मतलब ऐसे ही उल्टे सीधे कीवर्ड लिख करके
डिस्क्रिप्शन के एक वीडियो में डाले थे और दूसरा टैग के में डाले थे, ठीक है, टैग्स जो होते हैं उनमें डाले थे। तो उन्होंने वही कीवर्ड जब यूट्यूब पर सर्च किए सेम टू सेम, तो वो वीडियो आ गई जिसके डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड ऐड थे, वो वीडियो नहीं आई जिसके टैग्स में वो ऐड थे, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको डिस्क्रिप्शन के लिए कीवर्ड कैसे लगाने हैं, तो आपको रैंडमली यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाकर आपको जो भी आपका टाइटल है उसको सर्च करना है, उसके नीचे जितने भी कीवर्ड आ जाए उन सभी को आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं टैग्स के बारे में कि टैग्स आखिर क्या है। दोस्तों टैग्स वही चीज है कि जो आप टैग लगाते हो ना, आपको लगता है कि टैग में 500 कीवर्ड मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब 500 लगा दो, तो 500 कीवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। टैग्स मेरे हिसाब से 0.01% सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइटल एंड देन आपका डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े क्रिएटर बैठे हुए हैं, झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं, वो छोटे क्रिएटर्स को आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि उनके माइंडसेट में, उनके दिमाग में एक ही चीज़ उन्होंने फिट कर रखी है कि टैग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट। सब कुछ टैक्स नहीं है, टैक्स 0.01% इंपॉर्टेंट है, बाकी का आपका पूरा का पूरा काम करता है एसईओ का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो आपको बेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड बेस्ट टाइटल चूज करना है एंड देन अंडर 17 करेक्टर टाइटल चूज करना है एंड देन उसके बाद आप अपने चैनल की रीच देखो, काफी वीडियो अपलोड करके देखो, 15-20-25 वीडियोस को जो है अपलोड करो अपने चैनल पर, उसके बाद देखो कि क्या आपके चैनल की रीच एंगेजमेंट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अगर बढ़ रही है तो फिर आप कंटिन्यू उसको कर लेना, नहीं बढ़ रही है तो कमेंट करके बताना, जिससे मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करूं और चीजें चेक करूं कि आपके चैनल पर ये जो है क्यों एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया है, ठीक है। तो टैक्स के बारे में बात कर लें कि टैक्स आपको लगाना है। टैक्स आप रैंडमली, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए बताया कि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो, सेम थिंग्स ये मतलब उसके लिए भी है कि आप रैंडमली यूट्यूब पर जाओ, जो आपका की टाइटल है उसको सर्च करो, जो कीवर्ड आए उनको उठाकर अपने टैग्स में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे अपने चैनल का नाम होता है, बहुत सारे लोग मेरे चैनल का नाम पारस का ज्ञान है तो पारस का ज्ञान की जगह पारस ज्ञान सर्च कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने थोड़ा दिमाग से देखना होता है, खेलना होता है, किस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक परफेक्ट एसईओ करने का तरीका। या फिर आपको टैग्स लगाने तो आप ट्यूबबडी, विडाइक्यू वगैरह जैसे एप्लीकेशन है उनको यूज कर सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है रैपिड टैग्स, ठीक है, उससे भी आप टैग अच्छे खासे ले सकते हो, मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैंने बताया कि टैग्स 0.01% सिर्फ मैटर करते हैं, इसके अलावा नहीं। तो अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।